हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता दोस्तों लाया हूँ एक शानदार सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी आपके लिए। दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ इंसान का जीवन बदल देती हैं, जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ। और एक बात और, आप दोस्तों कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी की। दोस्तों एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे और जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से बच्चे उन्हें प्यार से दादाजी बुलाते थे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे दादाजी बैठे हुए थे, काफ़ी उदास बैठे हुए थे। बच्चों ने देख लिया और दौड़ते दौड़ते दादाजी के पास गए और उन बच्चों ने दादाजी से सवाल किया कि दादाजी आज आप क्या सोच रहे हैं, इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं। वह दादाजी थोड़ी समय के लिए शांत रहे और उसके बाद उन्होंने बच्चों का जवाब दिया कि बच्चों मैं आज अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, बीती हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तब वो बच्चे दादाजी से जिद करने लगे, दादाजी आप अपने जीवन के बारे में, आप अपने लाइफ के बारे में हमें बताइए ना, क्या आप अभी सोच रहे थे। तब दादाजी थोड़ी देर शांत रहे, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया बच्चों का, बच्चों जब मैं छोटा था तब इस पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता था, सोचता था कि पूरी दुनिया को बदलूंगा और मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी और सोच की कोई सीमा नहीं थी, मैं सब कुछ सोचता था। और धीरे धीरे जिस प्रकार से उम्र बढ़ती गई, मुझे ये एहसास हुआ कि ये दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। फिर मैंने सोचा कि ये दुनिया को ना सही, अपने देश को तो बदल ही सकता हूँ। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जीवन बढ़ता गया, उम्र बढ़ती गई, कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया और ये मेरा देश, इसे बदलना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने करीबी और अपने परिवार को बदल सकता हूँ और धीरे धीरे उम्र बीतती गई और आज मैं इस पड़ाव में आ गया हूँ कि मेरे जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं और मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की। अगर मैं ऐसा सोचा होता कि मैं अपने आप से बदलाव शुरू करूँ, अपने आप को बदलूँ, तो शायद मैं सब कुछ बदल सकता था, लेकिन मेरी सोच गलत थी जो मैं दुनिया को बदलने की सोच रखता था। बच्चों तुम अपने जीवन में कभी भी ये गलती मत करना, अगर शुरुआत करनी है तो खुद से बदलने की शुरुआत करना। धीरे धीरे अगर तुम बदल गए, तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया, तो तुम्हें देख के तुम्हारे परिवार, तुम्हारे करीबी और धीरे धीरे आपको देख कर देश भी बदल सकता है। आप लोगों के प्रेरणा स्रोत बन सकते हो अगर आप खुद से शुरुआत करते हो। दोस्तों यह छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हम भी बहुत कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि हम दुनिया को बदल देंगे, हम इस देश को बदल देंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप अपने आप को बदलिए, शुरुआत अपने आप से करिए। जो भी करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो आपके आसपास जो भी करीबी हैं, जो भी आपके लेवल के लोग हैं, वो आपसे प्रेरणा लेंगे और खुद को बदलने की वो भी शुरुआत कर देंगे और धीरे धीरे ये बदलाव एक दिन बहुत बड़ा बन जाएगा और देश भी बदल सकता है। अपनी सोच के माध्यम से आगे बढ़िए, खुद में शुरुआत कीजिए, खुद में काम करिए। दोस्तों ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। दोस्तों हमारे इसी चैनल पे आप और भी ढेरों सारी मोटिवेशनल हिंदी कहानियां देख सकते हैं। और एक बात और, इस वीडियो के कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आप कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों मैं अपने हर एक चाहने वाले को कमेंट पढ़ता हूं, तो आप जरूर बताएं कि आप कौन से शहर से रहने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।